लेकिन एक बात है, घूम घूम के पहाड़ का रास्ता पता नहीं चलता, लेकिन बहुत घुमाता है भाई, कसम से बोलूँ बहुत घुमाता है। नजारा क्या आंखों से दिखता है, लेकिन पैर को बहुत तकलीफ होता है यार। जय हिंद, आप सभी को ABCD07 ब्लॉग चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉग्स है आप लोग देख रहे हैं, आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे केपी ब्रिज, जो है खोपोली रेलवे स्टेशन से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पे है। आप लोग जो मेरे पीछे रोड देख रहे हैं, ये रोड पाम बीच रोड है, जो नई मुंबई के सबसे एक्सपेंसिव रोड मानी जाती है। तो दोस्तों, आप लोग भी एक बार केपी रेलवे ब्रिज घूम के आइए, क्योंकि वहाँ का जो व्यू है ना दोस्तों, कमाल का है, कमाल का है, कसम से बहुत बहुत मस्त है। मैं तो चला, लेकिन आप लोग कब चल रहे हो कमेंट में जरूर बताना। इस जगह का नाम क्या है बता सकते हो यार? कोई अगर गेस करे कि हाँ, इस जगह का नाम क्या है, ये ऑफिस अगर है क्या है, मैं बता देता हूँ। ये ऑफिस है नई मुंबई का सबसे बड़ा ऑफिस, जहाँ से लेके सीएम से लेके एमएलए कुछ करवाने को यहाँ पे आना पड़ता है। ये देखो यार, कसम से जब 26 जनवरी यार 15 अगस्त वगैरह रहते ना, तो इतना मस्त सजा देना, सजावट देख के पब्लिक दीवाना हो जाती इसका। इससे कभी था वो जगह मालूम नहीं दे सकते जो मॉनिटरी है, वो उस जगह है जहाँ पे मैं टिस्मर खा का जो मूवी शूटिंग हुआ था, वही है, वही प्लेन है, वही सब कुछ है। लेकिन टिकट लगता है इसके अंदर 30 रुपये शायद लेते हैं। कभी टाइम मिला तो आ जाएंगे एक बार, तो इसका अंदर का सब कुछ दिखा देंगे। ये एयरपोर्ट है, ये तिस्मार खां, यही पे उतरते। लेकिन बहुत मस्त जगह है, प्लेन है अंदर, कभी टाइम मिला तो आ जाएंगे, आके सारी चीज़ देखेंगे, आके जितना भी कुछ है एक्सप्लोर करेंगे सारी चीज़ को। तो काफ़ी समय हो गया यार, रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा। भाई साहब, ये ऊना नजारा, यहाँ से तो बोल रहे रास्ता है, किधर है रास्ता? अबे ये कुछ और जगह है, यार रास्ता भूल गया हम लोग। वो घिसा पिटा हुआ जगह है यार, नहीं मिलता यहाँ का आसानी से लोकेशन। और समुंदर के ऊपर से लेके जाके बाइक कैसे, गूगल मैप समुंदर के ऊपर से फिर मार के आना पड़ा 3 किलोमीटर। आप देख रहे यहाँ से लेके जा रहे, देखता हूँ यहाँ से क्या है, जाके ही देखता हूँ। तो यहाँ पे फिर अब आसमान ना उड़ा ऊपर से, आसमानों से जाना है। बहुत कंटाल आ चुका है यार, ये तो स्टेशन ही है। चलो अंकल ने बताया यहाँ से जाके आगे जाके लूट मारना है, फिर वहां से वहां जाना है, तो जाके देखते कहाँ तक जाता है फिर। लेके ट्रेन ये लास्ट डेस्टिनेशन है, हाँ इसीलिए यहाँ से जाने के लिए है। देखता हूँ अभी यहाँ से जाके, अब गूगल मैप से भरोसा उठ गया यार, डायरेक्ट समुंदर के ऊपर से गाड़ी लेके जाने बोल रहा, समुंदर के ऊपर से। और इस अंकल ने बताया जाते जाके देखता हूँ यहाँ से, हाँ 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 काम निपटा रहे हैं लोग। ये सब केपी ब्रिज ही पूछ रहे, सब केपी ब्रिज। किसी से पूछना पड़ेगा, ये बहुत झामेला है, कहाँ से जा समय, बहुत सारा रास्ता है।
बहुत रास्ता है यार, गली गली। नया आदमी को आएगा ना, हम लोग खुद फंस जा रहे। तो मैंने तो हम रात को आए थे एक बार, तो भूल गया रास्ता। अरे यार कैसा कैसा रास्ता है यार, कोई पब्लिक भी नहीं है तो पूछू। बहुत झमेला है यार, क्या खतरनाक रास्ता है, बहुत डेंजर रास्ता है। तो दोस्तों काफी मुश्किलों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अंत तक आने के बाद यहाँ पे नो एंट्री है। समझ में नहीं आ क्या करूँ, गूगल मैप तो लेके जा रहा था समुंदर के ऊपर से, वहाँ पे एंट्री भी नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अंकल से पूछना पड़ेगा, अंकल भी जवाब भी नहीं दे रहा, वो बोलता है हमसे मत पूछो हमें कुछ नहीं पता। अभी क्या करूँ यार, खाली पकड़ आके फंस गए यहाँ पे हम लोग। दोस्तों अगर तुम लोग आए तो कम से कम इतना जानकारी तो लेके आ जाइए कि मतलब यहाँ पे आके कोई फंसे ना, कुछ प्रॉब्लम ना हो। एक तो वक्त भी नहीं है, शाम होने वाले है अभी, अभी से कम 2 किलोमीटर दूरी है और जाना भी चल के पैदल। समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन रिक्शा वगैरह जा रहे, बाइक जाने नहीं दे रहे, क्यों वो पता नहीं। 4-5 मिनट के बाद एक अंकल मिला हमें, तो वो बताया कि मतलब कि यहाँ से रास्ता नहीं है, पहले था अब नहीं है, अब जो गूगल मैप पे देख रहे हो गलत है, तो यहाँ से दूसरा रास्ता बताया। ये देख तो पीछे साइड देख सकते हो, ये जो रोड गया है यहाँ पे, ये दूसरा साइड गया है। तो बोले कि यहाँ से जाके लेफ्ट मारना है, फिर वहाँ से सीधा सीधा जाते रहना, लेकिन कहाँ तक जाना ये बिल्कुल बताया नहीं। अब चलो जाके देखेंगे वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ये तो फुल टाव में है भाई, ये फुल टाव में है। बैठो बैठो आज जाएंगे, चलो चलते हैं मंजिल के ओर। तो दोस्तों भाई ने बताया कि थोड़ा सा आगे जाना है, आगे जगह मंदिर मिलेगी, वहाँ पे गाड़ी पार्क करके फिर आपको पैदल ही जाना होगा। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो पार्क करने की जगह तो नहीं है, लेकिन हम कैसे भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, रख देंगे कहीं पे भी। पार्किंग का यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, आप लोग आके यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम गाड़ी रखे अब पैदल ही चल पड़ेंगे। दोस्तों बहुत मुश्किल है यार, के पे रेलवे ब्रिज जाना, चार पूरे साइड जंगल ही जंगल है, देखो सब जंगल है, कुछ है ही नहीं आजू बाजू। हमें जाना है उतना ऊपर, पूरे ऊपर जाना है, बहुत मुश्किल है यार यहाँ से ऐसा जाना। थक चुका हूँ, तब से चल रहा था, बहुत टाइम से चल रहा हूँ यहाँ पे, लगता मंजिल कहाँ तक लेके जाती है, बहुत झमेला है, ना सही से चलने दे रहा है, ना सही से कैमरा पकड़ने दे रहा है, ना कुछ, रास्ते का हालत इतना खराब है। ये देखो दोस्तों सब देख सकते हो, पूरा पहाड़ी पहाड़ है आजू बाजू में, ये उतने ऊपर जाना है हम लोगों को। फिलहाल चलते हैं भाई साहब, बहुत मुश्किल है यार ऊपर चढ़ना, बहुत मुश्किल है, ऊपर देख सकते हो इतना डेंजर। वो देखो भाई लोग कहाँ चढ़ गए, ये हमें मिले यहाँ पे।
हालत खराब है भाई, कसम से बहुत डेंजर जगह है, चढ़ना जो मुश्किल है ना वो शायद कहीं भी नहीं है। ये देखो ये जगह चढ़ना है, अभी यहाँ से जाना ऊपर, फिर और ऊपर और ऊपर और ऊपर करते करते डायरेक्ट ब्रिज। दोस्तों ये है पीछे केपी ब्रिज, आप देख सकते हैं केपी ब्रिज कहाँ पे है। तो जाने में बहुत यार प्रॉब्लम हुआ, नीचे से ऊपर आना ऊपर से नीचे, लेकिन एक बात है घूम घूम के पहाड़ का रास्ता पता नहीं चलता, लेकिन बहुत घुमाता है भाई, कसम से बोलूँ बहुत घुमाता है। अब हम चलेंगे इसी रास्ते से, ये रास्ता है यहाँ पे, और जाना है जितने हम आए हैं उससे ज़्यादा और जाना है ऊपर। समझ में नहीं आ रहा आखिर कब तक और चलना है, दिख रहा है दिखने में तो बहुत पास दिख रहा है, लेकिन बहुत ऊपर है ये, बहुत ऊपर। अगर ऐसा ही रोड होता सब, अगर रोड सब ऐसा ही होता तो डायरेक्ट गाड़ी लेके आ जाते, लेकिन रोड ऐसा है ही नहीं, थोड़ा सा ऐसा रोड है जो 20-30 मीटर का ही है, उसके बाद फिर से चढ़ान और नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग आए थे, उन लोग ऊपर चले गए, बहुत सारे लोग नीचे भी चले गए, बोलते हमें नहीं जाना है। दो लेडीज आई आज रास्ते पर रोने लगी, बोलते कहा हमें जाना ही नहीं ऊपर, बहुत हो गया केपी ब्रिज। मेन बात तो चढ़ना है, यहाँ पे बहुत तकलीफ होता है बहुत चढ़ने के लिए, बाकी कुछ नहीं, नज़ारा के आंखों से दिखता है लेकिन पैर को बहुत तकलीफ होता है यार चलने को। आधे लोग तो थक के मारे बैठ गए, कोई पानी पी रहे, कोई वड़ा पाव लेके आया यहाँ पे खाने के लिए। तो दोस्तों सॉरी हम लोग ऊपर तक नहीं चल जा पाए, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। एक लड़का तो पैर फिसल के गिर गया है, उसके कमर में बहुत ज़्यादा ही लगा है कि 6 बंदे मिलकर उसको उठा के लेके जाना पड़ा यहाँ से। तब सोच सकते हो आगे कितना ख़तरनाक जगह होगा, और तो थोड़े समय में अभी शाम होने वाली है, तो हम नहीं चाहते कि ऊपर जाए फिर आते वक्त शाम हो जाए। फिर आप लोगों को तो पता ही है जंगल की रास्ता रात में कितना डरावनी होती है। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी आएगा, सुबह सुबह मॉर्निंग के वक्त आएंगे तो आपके हाथ में ज़्यादा टाइम रहेगा आपके पास। दोस्तों मुझे इस बात का दुख है कि आप लोगों को ऊपर का जो केपी ब्रिज का व्यू है नहीं दिखा पाए, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाना उतना संभव नहीं है। तो हम सोच रहे कि नीचे चले जाते डायरेक्ट, अभी ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है। सॉरी अगर कभी अगर दोबारा कभी आ जाए तो ऊपर का आपका नज़ारा दिखा देंगे कि केपी ब्रिज आखिर होता कैसे, और आप लोग आए रहेंगे तो और अच्छी बात है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, जय हिंद।